तो रायबरेली में नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया। नाना करते हुए पहली बार रायबरेली से अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी, लेकिन नामांकन से पहले गांधी परिवार का भक्ति वाला रंग सामने आया। वो तस्वीरें दिखाता हूं आपको, तस्वीरें जरा देखिए। गांधी परिवार की भक्ति की तस्वीरें, रॉबर्ट वाड्रा आपको बैठे नजर आएंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी माता जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। पीछे बीवी श्रीनिवास भी आपको पीछे नजर आएंगे, पंखा झेलते हुए। हालांकि वीडियो पर काफी लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन बात यह कि संभवतः गांधी परिवार का एकजुट होकर के संयुक्त रूप से नॉमिनेशन से पहले पूजा करने और नारियल फोड़ने की ऐसी तस्वीरें संभवतः देश में पहली बार देखी होंगी। लेकिन गणपति की भक्ति में लोग लीन रहे, लेकिन राहुल गांधी की राह क्या इतनी आसान है? सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी की नो ने राहुल गांधी को रायबरेली से पर्चा भरने पर मजबूर किया। राहुल की नॉमिनेशन की इनसाइड स्टोरी से लेकर रायबरेली की हिस्ट्री कांग्रेस को टेंशन में ला रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वचन भी राहुल की सरदर्दी को कई गुना बढ़ाने वाला है। रिपोर्ट जरा देखिए। रायबरेली से राहुल गांधी के नॉमिनेशन को कांग्रेस विरासत की सियासत बता रही और बीजेपी डर वाली पॉलिटिक्स। कांग्रेस का तर्क है कि इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी और सांसद बनी, रायबरेली सोनिया गांधी की भी सीट रही। जबकि बीजेपी का कहना है कि राहुल अमेठी से हार चुके हैं, वायनाड हार रहे हैं, इसीलिए रायबरेली के तौर पर सेफ सीट को चुना है। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। तो सवाल यह है कि जो राहुल गांधी वायनाड को नहीं छोड़ने का संकल्प ले चुके हैं, उन्होंने अमेठी के बजाय रायबरेली को क्यों चुना? और अगर वो दोनों जगह जीत जाते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? इस फैसले से पहले कांग्रेस में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में सोनिया गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी भी थे और साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी। इसी बैठक में अमेठी और रायबरेली को लेकर फाइनल डिसीजन लिया गया था। इस पूरी बातचीत की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने की और उसके बाद सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका से इमोशनल अपील की थी। खड़गे ने इस पर कहा, अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो पूरे उत्तर भारत में खराब संदेश जाएगा, दोनों को लड़ना होगा, संदेश देना जरूरी, वरना कम से कम कोई एक लड़े। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि मैं हार से नहीं डरता, अमेठी से भी लड़ लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जीतने पर वायनाड नहीं छोड़ूंगा। प्रियंका गांधी का जवाब था, क्या ये अच्छा लगेगा कि आजादी के आंदोलन से निकले दल से तीनों गांधी संसद में चले जाएं? सोनिया गांधी ने जब राजस्थान से राज्यसभा जाने का प्लान बनाया था तो उसी वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि रायबरेली से उनके उत्तराधिकारी के तौर पर राहुल गांधी ही चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन राहुल गांधी का वायनाड न छोड़ने की जिद यही वजह थी कि अमेठी और रायबरेली के फैसले में इतना सस्पेंस रहा। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने की सूरत में तेलंगाना की एक सीट मांगी, लेकिन राहुल नहीं चाहते थे कि गांधी फैमिली साउथ की पॉलिटिक्स में ही फंसी रहे। उनके सामने अमेठी का विकल्प रखा गया जिस पर प्रियंका गांधी ने चुप्पी साध ली। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक लास्ट कुछ मिनटों में राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए एक शर्त रखी। शर्त ये कि अगर मैं वायनाड सीट छोड़ता हूँ तो परिवार यानी प्रियंका ही वहाँ लड़े। इस पर प्रियंका ने ठीक है बोलकर अपनी सहमति दे दी। इसी के बाद 3 दशक से एक्टिव और सोनिया के करीबियों में रहे किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से कैंडिडेट बनाया गया और राहुल गांधी रायबरेली में नॉमिनेशन करने पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि गांधी परिवार का एक सदस्य साउथ इंडिया तो दूसरा नॉर्थ इंडिया संभालेगा। हालांकि ये तभी मुमकिन है जब राहुल गांधी वायनाड के साथ रायबरेली सीट भी जीत ले। अगर ऐसा होता है तो फिर राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ देंगे और फिर उसके बाद प्रियंका गांधी उसी वायनाड सीट से उपचुनाव जीतकर साउथ इंडिया की सियासत को साधेंगी। यानी राहुल गांधी का पता अमेठी से बदलकर अब रायबरेली होने वाला है और इसीलिए रायबरेली में कांग्रेसियों का शोर है और अमेठी के कांग्रेसियों में मायूसी। ये राहुल बाबा नाम के यान को
सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या रायबरेली के चुनावी मैदान में राहुल की पहली एंट्री कांग्रेस का गेम प्लान है या फिर उनकी भूल है? अगर रायबरेली सोनिया गांधी की नजर में विरासत है तो फिर अमेठी का क्या? रायबरेली से गांधी परिवार 7 बार चुनाव जीता, फिरोज गांधी 1957, फिर इंदिरा गांधी 1971 और 1980, जबकि सोनिया गांधी 2004, 2009, 2014 और 2019। जबकि अमेठी से गांधी फैमिली 8 बार चुनाव जीती, 1980 में संजय गांधी, 1984, 89 और 91 में राजीव गांधी, 1999 में सोनिया गांधी और 2004 से लेकर 14 तक राहुल। 2019 में भी राहुल गांधी वहीं से चुनाव लड़े मगर हार गए। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस अमेठी ने सबसे ज्यादा बार गांधी परिवार को जिताया वही अब उनकी प्राथमिकता में नहीं रहा? 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धन बल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। वायनाड की जनता को उन्होंने छला है, ये हम पहले भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि वायनाड के चुनाव के बाद वो एक छलावा जरूर करेंगे। आज राहुल गांधी जी ने जो छल किया है वायनाड की जनता के साथ वो प्रत्यक्ष रूप से साबित हो चुका है। तो अमेठी की जनता तो जानती थी कि वो विश्वास के लायक है नहीं, अब आशा करती हूँ वायनाड की जनता को भी समझ आया होगा। रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाकर कांग्रेस परसेप्शन की लड़ाई में आगे दिखना चाहती, लेकिन असल में गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी के लिए रायबरेली जीतना इतना आसान नहीं होगा। 2009 के इलेक्शन में सोनिया गांधी को 34.9% वोट मिले जबकि बीजेपी को 1.8%। बीएसपी कैंडिडेट से सोनिया की जीत का मार्जिन 27% के आसपास रहा। 2014 में सोनिया गांधी 33% वोटों के साथ सांसद बनी जबकि बीजेपी ने जंप मारते हुए लगभग 11% वोट हासिल किए। सोनिया की जीत का अंतर इस बार घटकर 22% ही रह गया। 2019 में सोनिया को 55.5% से कुछ ज्यादा वोट मिले और बीजेपी को लगभग 38.5% यानी 17.43% वोटों के अंतर से ही सोनिया जीती। कांग्रेस का यही घटता वोट बैंक कारण है कि राहुल के लिए रायबरेली इस बार इतना आसान नहीं लग रहा। और वैसे भी उनके सामने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने सोनिया को पिछली बार चैलेंज किया था। जो सबको कहता था कि डरो मत, वो कितना डरा हुआ है इस बात का प्रतीक है कि खड़गे जी भी चले आ रहे हैं, सोनिया गांधी भी चली आ रही हैं, प्रियंका गांधी भी चली आ रही हैं और मेरे साथ पूरी रायबरेली की जनता चली आ रही है। राहुल गांधी पर यूपी में कांग्रेस का आखिरी किला बचाने की चुनौती है और इसीलिए पूरी ताकत के साथ गांधी फैमिली ने रायबरेली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सोनिया गांधी राहुल गांधी के नामांकन में मौजूद रही, प्रियंका गांधी नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रही, रॉबर्ट वाड्रा भी साथ खड़े नजर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे खास तौर पर रायबरेली पहुंचे, अशोक गहलोत को भी राजस्थान से रायबरेली इसीलिए बुलाया गया, केसी वेणुगोपाल भी रायबरेली में रहे। रायबरेली की पब्लिक को इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की गई कि अमेठी की तरह वो रायबरेली को नहीं छोड़ेंगे। जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, तब उसे भारत की याद नहीं आती है, तब उसे भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं, तब वह उत्तर प्रदेश में आ थमकते हैं, फिर चुनावी गठबंधन करके फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 वर्ष तक कभी नहीं दिखाई देंगे। नामांकन हो गया, भारी बहुमत जीतेंगे हम लोग, विजय होगी राहुल जी की भी अखिलेश शर्मा जी की भी। इनका अभी रायबरेली में नामांकित करना एक तरफ वायनाड की वोटर्स के लिए बहुत बड़ा एक उनके साथ ना इंसान